ये क्या क्या बनाया, आलू का नहीं, चावल साबुदाने का, ये ज्यादा ऑयल पतला हो गया। तो थोड़ा हमारे लिए भी मंगा लीजिएगा भाई साहब। बात सही है। बिल्कुल। चलिए सभी को नमस्कार। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गौरव। विश्व आयुर्वेद मिशन एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मैं डॉक्टर अवनीश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है हिंदी हमारी पहचान, हमारा गौरव। इस कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी सम्मानित अतिथि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कार्यक्रम को शुरू करते हुए सर्वप्रथम शब्द के अधिष्ठात्री देवी माँ वागेश्वरी को नमन करते हुए हम लोग पहले ईश्वर की आराधना करेंगे। सर्वप्रथम भगवान धन्वंतरि की एवं माँ वागेश्वरी की वंदना के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। ओ नमामि धन्वंतरि मादिदेवं सुरासुरैवन्दित पादपद्म लोके जरारुक भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीडावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। एक बार पुनः इस कार्यक्रम में मैं आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं एवं सभी सम्मानित श्रोतागण जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं एवं फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, लिपि है देवनागरी जिसकी महिमा मई कहानी है, भाव जगाने वाली हिंदी भाषाओं की रानी है। ऐसे पावन दिवस के अवसर पे मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम प्रोफेसर जी एस तोमर सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि कृपया स्वागत उद्बोधन से अनुग्रहित करें। प्रोफेसर जी एस तोमर सर। ओम श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदादि मध्यमाम अश्वदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। आज के इस ज्ञान यज्ञ में उपस्थित हुए समस्त विद्वानों को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे परम प्रसन्नता है कि हमारे आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णे भाई साहब अपनी व्यस्तता के बावजूद भी हमारे हिंदी के अनंत प्रेम के चलते आपने समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस दिवस पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इलाहाबाद के स्वरों के जादूगर, हमारे एक्स सीएमओ डॉक्टर पी के सिन्हा साहब। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके इस ज्ञान यज्ञ में जहां पर आज हम लोग हिंदी के इस उत्सव को मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। भाई संग्राम सिंह जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे साथ मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है हमारी बहन वनिता जी,
वार अर्धरात्रि होने को है, लेकिन आज ये अर्धरात्रि को हिंदी का वो उत्सव मनाएंगे आप घाट्स के माध्यम से, हिंदू एसोसिएशन के माध्यम से हिंदी का अलग उस कोने में जगा रही है देश ऑस्ट्रेलिया में। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपका इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, जो एक संगीतकार भी है, एक कवि भी है, और राही के नाम से आप बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं। आपकी कविताओं में एक वास्तविकता की छाप छुपी रहती है। तो आज आप अपने कार्यक्रम में, आप इस महाविद्यालय के राजकीय एक आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का कार्य देख रहे हैं, अपने व्यस्त क्षणों में से भी रात को ये हिंदी के अलग जगाने के लिए हमारे इस संगीतमय कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ रंजन बिसत जी जुड़े हुए हैं। रंजन बिसत जी हमारे बरेली से हैं, एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कविता का पाठ करते हैं और बहुत अच्छे कवि हैं। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। स्वरों के जादूगर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और काशी की भूमि में पल रहे एक ऐसे स्वरों के जादूगर को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर इंद्रनील बसु, जो कि एक संस्थान है, एक व्यक्ति नहीं, एक अच्छे कोटि के एकेडमिशियन, आप एक डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं, रिसर्चर भी हैं, एक अध्यापक की तरह भी काम करते हैं, साथ साथ में आप कविता के साथ साथ में आप स्वरों के जादूगर हैं। आपके गाने को सुने बिना मैं जिन नींद नहीं आती, तो मैं नित्य प्रति आपके गानों का संकलन रखता हूँ, और आपका भी बड़ा हमारे प्रति स्नेह है कि नित्य प्रति हमारे पास भेजा करते हैं और उन गानों से मैं आह्लादित होता रहता हूँ। आपको माँ सरस्वती इसी प्रकार से आपके स्वर को निरंतर बनाए रखे और आप हमारे देश की इस जनता को हिंदी के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाए, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति जो कि प्रशासन के पद पर पुलिस जैसे रूखे विभाग में, जहां पर जो है भाषा शब्दों की नहीं एक दंडात्मक भाषा होती है, उस दंडात्मक भाषा के साथ साथ में एक स्वरों की सरता बहाने वाले एक ऐसे व्यक्ति को हम आज आमंत्रित किए हैं, भाई डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार, IPS, जो कि IG रेलवे भोपाल मध्य प्रदेश में आप कार्यरत हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे और आप न केवल कविता के माध्यम से, आप अपने गाने के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से आप लोगों को आह्लादित करेंगे। हमारे साथ राकेश कुमार, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो भी आपको कविता अपने गाने के माध्यम से आपका मनोरंजन करेंगे और हिंदी दिवस को अच्छे बनाने में हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी महानुभावों का। और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे, जो कि हिंदी के अस्तित्व में इनके जीवन रचा और बसा है और निरंतर कविता से लेकर के गाने से लेकर के पूरी तरह से इनका व्यक्तित्व हिंदीमय है। तो आपकी साधना को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। अब अधिक समय न लेकर के हम लोगों के उद्गार सुनने के लिए व्याकुल हैं और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कि फेसबुक के माध्यम से इसको देखेंगे, आज देखेंगे, काफी लंबे समय तक देखते रहेंगे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अवनीश भूषण पांडे जी से कहूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार भाषले भाई साहब को आमंत्रित करें और उनसे आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन उद्बोधन के लिए आग्रह करें। डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार भाषले जी को आमंत्रित करें, उनको अनम्यूट करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अवनीश पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही भाषा एवं माता का कोई दिन नहीं होता है, वह 24 घंटे आपकी अस्मिता एवं अस्तित्व का अनिवार्य अंग होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वाशरनी जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ। अशोक कुमार वाशरनी जी भाई साहब बोले उसके पहले दो शब्द मैं आपके सामने और जोड़ना चाहूंगा कि हमने आज दो पंक्तियां लिखी है, हिंदी हिंदी भाल की और हिंदी हृदय हमार और हिंदी अपनी अस्मिता हिंदू सदव्यवहार, हिंदी सदव्यवहार। तो हमको अपनी इस भाषा पर गर्व है कि ये संपूर्ण भूमंडल पर अपने आह्लाद से अक्रॉस द ग्लोब लोगों को प्रकाशित कर रही है। तो डॉक्टर अशोक कुमार भाषण जी अपने उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कराए। डॉक्टर अशोक कुमार भाषण जी भाई साहब आमंत्रण है। भाई साहब का एक संक्षिप्त में परिचय कराना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार भाषण जी भाई साहब राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं आरोग्य भारती के, और आप
आयुष मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। भाई साहब ने 1979 में एमएससी बायोकेमिस्ट्री से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पूर्ण किया। इसके पश्चात 1986 में अपने पीएचडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और इसी विश्वविद्यालय में अपने सहायक आचार्य के रूप में भी सेवाएं दी। 1986 से आप सामाजिक कार्यों से जुड़े, आरएसएस प्रचारक के रूप में आपने अपनी सेवाएं इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में दी। 15 वर्षों तक आप प्रांत प्रचारक रहे, जिसमें 10 वर्ष आपने झारखंड में, 5 वर्ष आपने कानपुर प्रांत में अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2012 से भाई साहब राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब का केंद्र भोपाल है। भाई साहब के उद्बोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार वाचन। धन्यवाद अवनी जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जी एस तोमर जी, जो विश्व आयुर्वेद मिशन के अध्यक्ष भी हैं, हमारे आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बसु जी, जिनका गीत हम सब सुनेंगे, आरोग्य भारती के हमारे सह क्षेत्र संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश श्रीमान संग्राम सिंह जी, हमारे जो मेलबोर्न से बहन जी जुड़ी हैं डॉक्टर वनीता शर्मा जी, डॉक्टर श्रीमान डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार जी, जो शायद अभी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, डॉक्टर रंजन विशाद विशद जी, डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी, डॉक्टर पी के सिन्हा जी, डॉक्टर शिशिर घोष सोमवंशी जी भी अभी आ जाएंगे, डॉक्टर राकेश कुमार जी हमारे इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी, क्योंकि इसमें जितने भी हैं सब बड़े साहित्यकार भी हैं, गायक भी हैं, और मैं दोनों ही नहीं हूं, ना साहित्यकार हूं ना गायक हूं, लेकिन मेरी रुचि है और हिंदी का प्रेम भी है, लेकिन प्रेम ही नहीं है, गर्व भी है मुझे हिंदी पर कि मैं हिंदी में सब काम कर सकता हूं जो एक व्यक्ति को करने चाहिए। तीन शब्द हैं, देश, राज्य और राष्ट्र। देश अर्थात कोई भूभाग, जिसकी केवल एक भूभाग है, एक सीमा रेखा है, उतना ही रहा, दो चीज रही तो देश बन जाएगा। लेकिन राज्य, इस भूभाग जिसकी सीमा है उस पर अगर एक जन समुदाय रहता है और वह जन समुदाय अपने को व्यवस्थित करने के लिए कोई एक व्यवस्था स्वीकार कर लेता है तो वह राज्य बन जाता है। लेकिन अगर यही समुदाय लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहे, आपस में समान मित्र समान शत्रु के भाव विकसित हो जाए, एक कार्य शैली विकसित हो जाए जिसको हम समान उत्साह समान प्रकार की सोच विकसित हो जाए, तो हम कहते हैं वो एक राष्ट्र बन जाता है। और इसी को हम एक शब्द में कहते हैं संस्कृति विकसित हो जाए। तो इसीलिए राष्ट्र का जो मूल आधार है वह वहां की संस्कृति है, और इस संस्कृति में भी जो केंद्र बिंदु में है, वैसे और बहुत सारी चीजें लेकिन केंद्र बिंदु में है, वह है भाषा। हम अखंड भारत का अगर विचार करें तो अफगानिस्तान के उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर इंडोनेशिया के दक्षिण में बाली जावा सुमात्रा द्वीप तक जितना भी भूखंड है, आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान यहां तक ईरान भी, तिब्बत नेपाल अभी का भारत, बांग्लादेश श्रीलंका मलेशिया कंबोडिया इंडोनेशिया ऐसे और सारे देश थाईलैंड तक, ये सारे देश अखंड भारत के अंग हुआ करते थे। तो जब हम अखंड भारत की चर्चा करते हैं तो एक विषय आता है उनकी भाषा, उनकी एकता के सूत्र क्या है, तो हम अनुभव करेंगे कि एकता के सूत्र हमारी एक भाषा है। लिपि अलग अलग होगी लेकिन इस लिपि की एक विशेषता, इस भाषा की विशेषता है कि जैसे हिंदी में हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का एक निर्धारित पद्धति है, वैसी ही पद्धति अन्य स्थानों की भाषाओं में है, जिसके कारण से वह इस अखंड भारत के सूत्र से जुड़ती है। हम और अधिक अच्छा अनुभव करना हो
तो हम अपने देश की किसी दूसरी अन्य भाषा, गुरुमुखी ले लें, बंगला ले लें, गुजराती ले लें, मराठी ले लें, तेलुगु ले लें, तमिल ले लें, मलयालम ले लें, कन्नड़ ले लें, कोई भी भाषा ले लें, हर एक में एक ही क्रम मिलेगा, कहाँ पर संज्ञा आएगी, कहाँ पर सर्वनाम आएगा, कहाँ पर विशेषण आएगा, कहाँ पर क्रिया आएगी। और यही स्थिति अन्य देश जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है उनकी भी है। और इसलिए भाषा यह संस्कृति का मूल आधार है, जोड़ने का काम करती है। पहले भी जोड़ती थी, आज भी जोड़ने में सक्षम है, आगे भी सक्षम रहेगी। इसलिए इस पहलू को ध्यान में लेना चाहिए। दूसरा, हिंदी हर भारतीय व्यक्ति के लिए गर्व का विषय। थोड़े देर के लिए ध्यान करिए, जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण दे रहे थे, या वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हिंदी में बोलते हैं, तो हर भारतीय का सीना एकदम गर्व से ऊंचा उठ जाता है कि हमारे देश का शीर्ष व्यक्ति हमारी भाषा में बोल रहा है। और इसलिए भाषा और हिंदी ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है। और तो और, थोड़ी देर के लिए याद ध्यान करिए, हम कभी विदेश जाएं या किसी अहिंदी भाषी प्रांत में जाएं, मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे ध्यान में आता है, और वहां पर आपको कोई हिंदी बोलता हुआ मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा? एकदम अपना बन सा। मुझे ध्यान है 1985 की एक घटना, मैं एक यंग साइंटिस्ट के रूप में मदुरई कामरा यूनिवर्सिटी में गया था एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए। उन दिनों में तमिलनाडु के अंदर बहुत ज्यादा हिंदी का प्रचलन नहीं था, और मैं प्रयाग से गया था, उन दिनों में रिसर्च स्टूडेंट ही था, तो मैं सारा काम अंग्रेजी में चला सकता था, चलाता था। तो मैं देखता था, जब मैं लौट रहा था मदुरई से, तो एग्मोर स्टेशन पर मैं रिक्शा तलाश रहा था, तो मैं रिक्शे वाले को अंग्रेजी में बोल रहा था सेंट्रल स्टेशन जाने के लिए। तब तक मेरे हाव भाव को देखकर एक दूर से एक रिक्शा वाला दौड़ के आया, भाई साहब मैं आपको लेके चलूंगा। अब उस तमिलनाडु में जहां हिंदी नहीं थी, हिंदी का विरोध था, और एक रिक्शे वाला हिंदी में आके मेरे से बोलता, भाई तो मैं आपको लेकर चलूंगा। वो मुझे देखकर मेरे हाव भाव से उसने अनुमान लगा लिया कि मैं हिंदी भाषी हूँ, और उसने कहा कि मैं आपको सेंट्रल स्टेशन से लेकर चलूंगा, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, यहाँ रिक्शा चलाता हूँ। जैसे वो मिला, एक स्वाभाविक आत्मीयता का भाव आ गया। भाषा एक ऐसा विषय होती है कि कहीं भी जाए, अपने भाषा का कोई व्यक्ति मिल जाए, एकदम अत्यंत आत्मीयता के साथ बतियाते हैं। हम उत्तर भारत में रहते हैं, कोई केरल का व्यक्ति होगा, कोई दूसरा केरल का व्यक्ति मिल जाए मलयालम में बात करे, तो कितनी आत्मीयता से करेंगे, बिना ये जाने कि वो केरल में कहाँ का रहने वाला है। हो सकता है एक त्रिवेंद्रम का और एक कन्नूर का, दोनों उत्तर दक्षिण है। वैसे हिंदी के बारे में देश के बाहर भी ऐसा ही होता है, और इसीलिए यह एक पहचान, अपनापन और मित्रता प्रकट करने में, बनाने में सहायक होती। एक और भी है, कहते हैं किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास उसकी मातृभाषा में ही होता है। यह मातृभाषा बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे अभी अवनीश जी ने कहा कि भाषा और माँ एक समान होती है, उनका कोई मूल्य नहीं होता, हर समय प्रिय लगते हैं। वैसे ही संपूर्ण विकास, अगर घर में बोली जाने वाली भाषा बराबर बोली जाए, वायुमंडल रहे, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है और स्वाभाविक विकास। जब एक घर में बाइलिंगुअल माने दो भाषी तीन भाषी लोग रहते हैं, हिंदी भी चल रही है, अंग्रेजी भी चल रही है, और कोई भाषा भी चल रही है, तो छोटे बच्चे को पकड़ने में बहुत देर लगती है, उसको समझ में नहीं आता कब उसको क्या बोलना है, और इसलिए जो ध्यान में आता वही बोलता है। दुर्भाग्य से आज और एक चीज हो गई है कि हमारे युवा माता पिता वो स्वयं हिंदी भाषी हैं, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी में डांटते हैं। मैं रोजाना ट्रेन में यात्रा करता हूं, अक्सर देखता हूं युवा माता छोटे बच्चों को दिन भर अंग्रेजी में डांटती रहेंगी, और कोई महिला मिल जाए दूसरी तो हिंदी में गप्पे आएंगी। तो कई बार मुझे कहना पड़ता है, बहन जी आप तो हिंदी जानती हैं अच्छी तरह से, इस बच्चे को तनाव क्यों दे रही है अंग्रेजी बोल करके? तो उनका तर्क होता है, नहीं नहीं इसको पढ़ना है
बहुत आगे जाना है तो अंग्रेजी की बहुत आवश्यकता है। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, आप अंग्रेजी बोलती हैं लेकिन बचपन में आपने अंग्रेजी बोली थी क्या? आपके माता पिता ने अंग्रेजी में डांट लगाई थी क्या आपको? आपने हिंदी में सीखा था जिसके कारण से आपका विकास हुआ और आप आज अंग्रेजी में सब कुछ वार्ता करने में सक्षम है। ठीक उसी तरह से इस छोटे बच्चे के साथ भी यही व्यवहार करिए, उसको अनावश्यक तनाव मत दीजिए। अर्थात बच्चे का संपूर्ण विकास जितना स्वाभाविक रूप से मातृभाषा में होता है उतना और किसी में नहीं हो सकता, इसलिए ये होना चाहिए। परिवार का काम है वैसा वायुमंडल बना के रखना। और एक जानकारी देता हूं, हम ध्यान करें जब से यूपीएससी की परीक्षाओं में अन्य भारतीय भाषाओं को अनुमति मिली है तब से हम पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज देखें तो ध्यान में आएगा कि अंग्रेजी की तुलना में स्थानीय भाषा में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जिन्होंने बेसिक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा, लगभग दो तिहाई रहती है। जिनकी बेसिक परीक्षा बेसिक पढ़ाई अपनी मातृभाषा में हुई है अर्थात संपूर्ण विकास हुआ तो व्यक्ति किसी भी ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, तो उसकी मातृभाषा यह सहायक होती है और इसको ध्यान में करना चाहिए। लेकिन और एक पहलू है, दुर्भाग्य से आज भाषा को नौकरी से जोड़ दिया। ये नौकरी से जोड़ना खतरनाक है, खतरनाक इन द सेंस कोई भी भाषा ये अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा इसको नौकरी से देखना ये उचित नहीं, लेकिन व्यवहार में आज ध्यान में आता है। आज समाचार पत्रों में अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग व्यक्तियों ने अपनी टिप्पणी दी है, उसमें कई लोगों ने ये टिप्पणी दी है और उनकी टिप्पणी गलत नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति टूटी फूटी कैसी भी अंग्रेजी बोलेगा, ओ बड़ी अंग्रेजी बोलता, बड़ा कुछ थोड़ा अकेडमिशियन मानते उसको, गलत है। शुद्ध हिंदी बोलना, सही उच्चारण करना, ठीक पिच में बोलना, टोन ठीक रहना, लय ठीक रहना, तो किसी भी व्यक्ति को समझ में आती है। मैं पूरे देश में घूमता हूं, शुद्ध मैं अनुभव करता हूं कि शुद्ध हिंदी में बोलने से गति कम रखने पर, पिच ठीक रखने पर हर अहिंदी भाषी व्यक्ति भी ठीक प्रकार से हिंदी को समझता है। आज से 3 वर्ष पहले की घटना होगी, 2 वर्ष 2.5 वर्ष हो गया, नहीं 3 वर्ष हो गया, लगभग 3 या 2 वर्ष हो गए, पालघाट में आरोग्य भारती के आरोग्य मित्रों के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं सभी अहिंदी भाषी प्रांतों से बुलाए थे, पुरुष भी थे महिलाएं भी थे, गुजराती से लेकर मराठी उड़िया और दक्षिण की सभी भाषाएं इनके पुरुष और महिला थे। तो मुझे लगा कि सब लोग एक साथ हैं, शायद हिंदी में कठिनाई होगी, अहिंदी भाषी थे, उद्घाटन करना था। मैंने प्रारंभ में एक 3-4 वाक्य इंग्लिश में बोले और मैंने इतना ही पूछा कि हाउ मैनी यू आर फॉलोइंग, तो कुछ नाम कुछ हाथ उठे। बाद में मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया और एक 4-5 वाक्य बोले होंगे, फिर मैंने कहा अपने में से कितने व्यक्ति हैं जो हिंदी समझ रहे हैं, लगभग सभी ने हाथ खड़ा कर दिया। तो फिर मेरे ध्यान में आया और मैंने कहा भी तो मैं बेकार इंग्लिश में बोलता हूँ, मैं हिंदी में ही बोलूंगा और हम सबको प्रसन्नता होगी कि अहिंदी भाषी राज्य से होते हुए भी 2 दिन के पूरे कार्यक्रम का संचालन, आदान प्रदान, सूचनाएं सब हिंदी में हुई और सबने स्वीकार, सबने ठीक से स्वीकार भी किया, अपने विचारों का आदान प्रदान किया। हाँ इतना जरूर है कि जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो हमको उनकी भाषा समझ में नहीं आती, हम हिंदी का शुद्ध उच्चारण, पिच ठीक पिच में बोलते हैं और ठीक पिच माने उच्च माने उतनी जोर से बोलते हैं, ठीक लय से बोलते हैं, टोन ठीक है तो सभी समझते हैं। हमको अगर उनकी भाषा समझनी है तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है कि मन में
संस्कृत का टच रखे। संस्कृत का टच है तो हम हर भारतीय भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। वो अपनी भाषा में बोलेगा, हम हिंदी में बोलेंगे, दोनों अच्छी तरह संवाद कर सकते हैं, जो कोई कठिनाई नहीं होने। और इसीलिए आज भी हिंदी यह संपर्क भाषा भी है और आग्रह की भाषा भी। आज की आवश्यकता अनुभव होती है कि हम अपने घर में, विशेषकर माता पिता और युवा माता पिता, हिंदी का वायुमंडल बनाए। शब्दों को तोड़ा मरोड़ा नहीं, आधे अधूरे ना बोले, उच्चारण शुद्ध करें, पूरा शब्द बोले, पूरा वाक्य बोले। हम देखेंगे कि व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करने से घर में वायुमंडल बनता है, परिवार के सभी सदस्य उसको अच्छा अनुभव करते हैं। और अगर घर में वायुमंडल है, सभी सदस्य बोलते हैं, कोई भी अतिथि आए उसको अच्छा ही लगने वाला है, क्यों, हमने वैसा वायुमंडल बनाया। और इसलिए आज की आवश्यकता अनुभव होती है कि हम हिंदी में बोले। बस दो तीन सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हम दिखावा नहीं करें, सहज रहे। हिंदी बोलने के लिए क्लिष्ट शब्द नहीं करना, सहज सरल शब्द बोलना। हम मोबाइल है, ट्रेन है, साइकिल है, वो शब्द हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, उनको हिंदी के हिसाब से बोलना चाहिए। हम जब बोलेंगे लोह पद गामनी, ये बेवकूफी है जो बोलते, वे हिंदी का एक तरह से अपमान करते। क्यों अपमान करते, जान बूझ करके वो शब्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और इसलिए दिखावा नहीं चाहिए, सहज रहना चाहिए, क्लिष्ट नहीं चाहिए, सरल चाहिए। और एक चीज है, अपना शब्द भंडार, इंग्लिश में जिसको वोकैबुलरी बोलते हैं, इसको बढ़ाइए। उचित कार्य के लिए उचित शब्द बोले, ऐसी अपेक्षा है। और इसलिए बनाना चाहिए, बच्चों को उत्सवों में शिष्टाचार के रूप में संबंधित व्यवस्थाओं को, पहलुओं को तर्क से बताएं, तथ्य से बताएं, तो बच्चे स्वीकार करते। और इसीलिए बच्चे को भी और हमको भी गर्व का अनुभव होगा। आज भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कुछ कुछ वीडियो आते हैं, जब हिंदी में कोई छोटा बच्चा बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है, गीत बोल रहा है, कहानी बोल रहा है, तो बड़े गर्व के साथ हम फॉरवर्ड करते जाते हैं। क्यों, वो हिंदी में है, वो संस्कृत में है। और इसलिए आज की आवश्यकता अनुभव होती है कि हम इसको शिष्टाचार के सभी पहलुओं को वैज्ञानिकता से बताते हुए एक अच्छा वायुमंडल बनाए, स्वयं से प्रारंभ करें, परिवार में बनाए, तो समाज में वायुमंडल बनेगा। हिंदी दिवस यह केवल याद दिलाने के लिए है कि हम कहां पर हैं। केवल एक दिन हमने हिंदी का प्रयोग किया और हम केवल उतना तक सीमित हैं, उतना नहीं, तो वास्तव में हमको अपने जन सामान्य की भाषा, सामान्य व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा, दिन प्रतिदिन प्रयोग होने वाली भाषा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो अवश्य ही हमको फिर बार बार हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको सहज रीति में हिंदी के शब्द निकलेंगे, वाक्य निकलेंगे, उचित परिस्थिति के लिए उचित शब्द निकलेगा। हम अनुभव करेंगे कि केवल हम अपने भाव ही व्यक्त कर पा रहे, हम साथ अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते हैं। मुझे लगता है कि शायद आज के इस हिंदी दिवस पर कवि सम्मेलन जो आयोजित है, लोग अपने अपने भाव व्यक्त करेंगे, अलग अलग प्रकार से व्यक्त करेंगे, मैं भी सुनूंगा, बाकी सब भी सुनेंगे, तो मैं सबको इसकी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। केवल एक निवेदन के साथ कि अपने स्वयं हिंदी का प्रयोग करें, पूरे वाक्य बोलें, उच्चारण शुद्ध करें, सहज सरल रहें और शब्द भंडार बढ़ाएं, तो अवश्य ही यह दिवस सार्थक होगा। मुझे लगता है इतना ही मुझे कहना चाहिए। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने भाई साहब इस प्रकार के शब्दों का, इस प्रकार की एक उद्बोधन दिया है कि निश्चित रूप से
आज की पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। आज जो है इंग्लिश में बोलना एक स्टैंडर्ड और एडवांसनेस का प्रतीक लोगों के दिमाग में बस गया है, उसे हमें बाहर निकलना होगा। बहन बनीता जी बाहर हैं, लेकिन आज भी जब हमसे कभी चर्चा होती है तो जी अधिक से अधिक हिंदी में बात करती हैं, अपने बच्चों से भी हिंदी में बात करती हैं। मैं आपकी इस प्रभुता को, आपके इस गुण को मैं नमन करता हूं, और इसी की आवश्यकता है। मैं अमेरिका गया तो मैंने देखा कि जब मेरा परिचय कराया जाता रहा कि ये भी हिंदी है, ये भी देसी है, ये भी देसी है, तो मुझे अच्छा लगा कि सब लोग हिंदी भाषा में बोल रहे थे, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। अब मैं हमारे साथ में अब वन अनुसंधान प्रमुख डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर शिशिर सोमवंशी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य अतिथि महोदय के सामने, अवनीश जी, मैं चार पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद मैं आमंत्रित करूंगा बनीता जी को, क्योंकि बनीता जी को यह सुनाना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी कविता है, आज के परिप्रेक्ष्य में आज ही मैंने पंक्तियां कुछ लिखी हैं कि हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी अपनी भाषा है, और हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी शुभ अभिलाषा है, उषा की इस अंगड़ाई ने हिंदी का संदेश कहा, उषा की इस अंगड़ाई ने हिंदी का संदेश कहा, सूरज की पावन किरणों में हिंदी का आलोक भरा, बिहगों के कलरव में मधुरिम हिंदी का संगीत भरा, कल कल करती नदिया ने भी हिंदी का संगीत कहा, हिंदी केवल भाव नहीं ना केवल अपनी भाषा है, भावों की सशक्त अभिव्यक्ति जीवन की परिभाषा है, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी अपनी भाषा है, हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी सुव अभिलाषा है। हिंदी क्या है इसके बारे में अग्रिम पंक्तियों में ध्यान दें कि हिंदी प्राण ओज हिंदी है, हिंदी ही अपना बल है, हिंदी प्राण ओज हिंदी है, हिंदी ही अपना बल है, हिंदी शाश्वत सत्य हमारा, हिंदी ही निज संबल है, हिंदी ही त्रिकाल पूजित है, हिंदी ही अपना कल है, हिंदी सुरभाषा पुत्री है, हिंदी निर्बल का बल है, हिंदी सुरभाषा पुत्री है, हिंदी निर्बल का बल है, हिंदी रग रग में बसती है, हिंदी जग की आशा है, हिंदी रग रग में बसती है, हिंदी जग की आशा है, हिंदी पावन धर्म हमारा, हिंदी मम परिभाषा है, हिंदी पावन धर्म हमारा, हिंदी मम परिभाषा है, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी अपनी भाषा है, वो हिंदी है माते की बिंदी, हिंदी सुव अभिलाषा है। अंतिम है कि हिंदू शिशु की किलकारी है, हिंदी ही तरुणाई है, हिंदी शिशु की कलक किलकारी है, हिंदी ही तरुणाई है, वो वृद्धों का आशीष यही है, खुशियों की शहनाई है, हिंदी माता की गोदी है, हिंदी मम परछाई है, वो हिंदी है युग धर्म हमारा, हिंदी अमिट कमाई है, हिंदी है युग धर्म हमारा, हिंदी अमिट कमाई है, हिंदी ओंकार है शिव का, हिंदी ओंकार है शिव का, कवियों की संभाषा है, हिंदी ओंकार है शिव का, कवियों की संभाषा है, वो दुर्गा के त्रिशूल सी पूजित कविता की प्रिय भाषा है, दुर्गा से त्रिशूल सी पूजित कविता की शोभाषा है, वो हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी अपनी भाषा है, वो हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी सुव अभिलाषा है, हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी सुव अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदी हमारे रग रग में समाई हुई है, और मैं भाषण जी भाई साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब आप देश में रहें या विदेश में रहें, जो हिंदी भाषी है, जो हिंदी की बात को समझने वाले हैं, हमको वार्षिक प्रयास करना चाहिए कि अपनी भाषा में ही हम बात करें। जब वैश्विक मंच पर आप जाएं और अपनी किसी बात को उस भाषा में समझाने की जरूरत हो, तभी हम उस भाषा का सहारा लें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सभी अतिथियों का, नमन करता हूँ, और मैं डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हमारी अग्रिम जो वक्ता हैं अपने विषय को रखने के लिए जो आई हुई हैं बनीता जी, उनको आप आमंत्रित करें। डॉक्टर अवनीश भूषण पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छी
कि जो अभी इतना शानदार आपने बताया, आपने सारे भावों को एक साथ वहां पे रख दिया है। आपके सामने एक छोटी सी कहानी रखना चाहता हूँ, एक घटना रखना चाहता हूँ कि जैसा भी भाई साहब ने कहा कि युवा माता पिता को चाहिए कि एक हिंदी का वातावरण बनाए। मैं जिस घर में रहता हूँ, मेरे भतीजे भतीजी हैं, वो जब मैं शुरू शुरू में यहाँ ज्वाइन करके आया तो अक्सर उनसे जब तो दिन भर में सुबह है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, चाचा चाचा गुड नाइट। तो मैं जब उनसे मिलता हूँ तो जय श्री राम बोलता हूँ, वो गुड मॉर्निंग कहेंगे, मैं इधर से जय श्री राम बोलता हूँ। तो अब वो घर में किसी और से गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेंगे, लेकिन हमसे जब मिलेंगे तो जय श्री राम। तो एक एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया। और जैसा कि एक विद्यालय में एक अध्यापक आते हैं, हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है, तो अब अध्यापक आ रहे हैं तो अध्यापक क्या बोल रहे हैं हिंदी की क्लास में, बेटा ओपन योर हिंदी अभ्यास पुस्तिका, ये हिंदी क्लास चल रही है। नाउ यू हैव टू राइट अ से आम, यू नो आम, ओके देन लर्न अ से आम, आम मीन्स मैंगो। ये आज के हिंदी की क्लास का एक उदाहरण बन गया है। और आजकल के बच्चों को क्या है कि 59, 69 यही नहीं समझ में आता है कि है क्या। तो ये बड़ी विडंबना है कि लोग कॉन्वेंट की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश मीडियम की तरफ पढ़ाने में बच्चों को या अंग्रेजी में बात करने में बहुत ही अपनी शान समझते हैं। और कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो रहा है, हमारे समाज को नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, गति प्रदान करते हुए थोड़ा सा गीत का माहौल करना चाहता हूँ और डॉक्टर पी के सिन्हा सर को सादर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि एक गीत से इस कार्यक्रम को थोड़ा सा। हाँ बनीता जी, जरा आप आनंद लीजिए, गीत का था उसके बाद बोलिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अटेंड कर रही हूँ। ओके 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 सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा सर, कुछ कह रहे हैं सर अभी। मेरे ख्याल से वनीता जी को हम लोग सुन लें, उसके बाद गाने का रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। जी जी जी, वनीता जी को एक बार, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनको बुला लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम। हाँ बहुत बहुत स्वागत है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया। नहीं आप उनको पहले बनाइए, मैं गाना सुन के मैं प्रेरित होना चाहती हूँ। आप पहले उनको बुलाइए, कोई चिंता नहीं, मैं फिर करूंगी। मैं आप सबको भी सुनना चाहूंगी बाद में। ओके ओके ओके। हाँ सुना, मैं नहीं, कहीं नहीं जा रही। सुना सा जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मैं वृद्धों के लिए कार्य करता हूँ, वृद्धों के सम्मान के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। वृद्धों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है अकेलापन। अगर वो अपने अकेलेपन से दोस्ती कर ले, अगर अपने एकांत से दोस्ती कर ले और ये सोच ले कि उनको इस जीवन में अकेले ही चलना है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी संबंध में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करने की। आप लोग समझ गए होंगे कौन सा गाना है। हमेशा आपको मोहम्मद रफी सुनाया, आज मुकेश। तेरा मेला पीछे छूटा राधी, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राधी, चल अकेला। अगर हम अपने कान से मित्रता कर ले तो अकेलापन इतना अच्छा लगेगा। अकेलापन और एकांत दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वृद्धावस्था में एकांत से मित्रता करना बहुत आवश्यक है, यही संदेश इस गीत के माध्यम से। Thank you.
हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते, यहाँ दुखड़े सहने के वास्ते तुझको बुलाते, है कौन सा वो इंसान यहाँ पर जिसने दुख ना झेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छोटा राही चल अकेला। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे अवसाद को रोका जा सकता है, डिप्रेशन को रोका जा सकता है, इसलिए जो भी हम सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो वो होता है, ये होता तो वो होता, लेकिन संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने आप से ऊपर उठा सकते हैं। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को कर ले तरे आकाश ओढ़ ले, यहाँ पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। एक बार अपने आप से दोस्ती करके देखिए, एक बार एकांत से अपने आप को जोड़ लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो आपको कभी अकेला पन नहीं लगेगा और इस बीच में आनंद है। एक बार प्रयास करके तो देखिए, अकेले चलते प्रयास करते। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जीवंत जो है एक ऐसा कार्य किया है, क्योंकि आप एक चिकित्सक भी हैं और एक संगीत के माध्यम से आपने जो चिकित्सा दी है वो निश्चित रूप से फलवती है, और आप स्वरों के जादूगर हैं। मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। बुढ़ापे की लाठी, आपने जो कार्य किया है वो बड़ा ही सराहनीय है, और मैं आपकी क्षमता को, आपकी प्रतिभा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अवनीश जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं आज आप सबके बीच, आप इतने हुनर से माहिर हैं सब, तो अभी प्रदीप जी का गाना सुन के जिसे हम ध्वनि कहते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगी आज अपनी भाषा का संवाद करते हुए। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर जी एस गिरेंद्र तोमर जी का, और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी अतिथिगण का, और आपको मुबारकबाद देती हूँ प्रदीप जी, अशोक जी, अवनीश जी, संग्राम जी, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, और आप सबको बहुत बहुत हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और मैं यही कहूंगी कि हम अपने देश से इतनी दूर आकर हमने जितनी हम कोशिश कर सकते थे अपनी संस्कृति, अपनी
भाषा और अपनी पद्धतियों को बचाने की, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं हमारे पांचवें वेद आयुर्वेद को यहाँ पे मैंने जब शुरू किया ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो हमारा जो अभी मैं यहाँ पे इसको अपने आयुर्वेद को और योग को उनको मैं वहाँ पे संबोधित करती हूँ अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया के, और इस वक्त मैं अपना ग्लोबल हिंदू, हम उसको घर बोलते हैं, तो वो हम उसको वासुदेव कुटुंबकम करके हम बोलते हैं, ये धरती जैसे हमारा घर है, हमारा परिवार है, और जो घर की हम घर के रास्ते जो कि ग्लोबल हिंदू एसोसिएशन फॉर रिफॉर्म एंड सस्टेनेबल सोसाइटी है जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में स्थापित है, लेकिन हम लोग सब जगह हैं पूरे विश्व भर में, हम इसको फैलाते हैं अपने संस्कारों को, अपनी पद्धतियों को, और हम जितनी कोशिश कर सकते हैं इसको बचाने की उतना हम कर रहे हैं। हम अपने हिंदुत्व को बहुत ही सम्मान से लेते हैं, और हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से आए हैं, तो हिंदुओं की धरती से आए हैं, और हिंदुत्व करते हैं तो हमें हिंदुत्व ही हमें यह सिखाता है कि हम अपनी हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है हम उसको बचा कर रखें, और जितना हम इसको ऑस्ट्रेलिया में फैला सकते हैं हम फैलाएं। तो यहाँ पे कई ऐसी संस्थाएं हैं और कई ऐसे केंद्र हैं जो कि हिंदी को बहुत महत्व देते हैं और इसको जीवन शैली का हिस्सा बनाकर इसको आगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अपने घर में, मेरे दो बच्चे हैं, बेटा है, बिटिया है, मैं रोज अपना समय से जो मैं पूजा करती हूँ उसमें मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मेरे साथ मंत्र उच्चारण करो। तो हम आयुर्वेद में संस्कृत पढ़ते हैं, मैं पहले स्कूल में भी संस्कृत पढ़ी, तो मैं सब अपने संस्कृत के किताबों को पढ़ लेती हूँ। मैं वो नहीं कहूंगी जैसे अभी अवनीश जी बोल रहे थे कि आई कैन रीड इन संस्कृत एंड आई कैन रीड इन हिंदी, मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ और मैं संस्कृत में भी संवाद कर सकती हूँ। तो हमारा ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें अपने बच्चों को और आगे वाली पीढ़ी को हमें तीन भाषाएं जरूर सिखानी चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि एक जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी अपनी भाषा है और जो हमें हमारी मातृभूमि से जोड़ती है, और दूसरी भाषा अंग्रेजी है क्योंकि वो हमें संसार से जोड़ती है, क्योंकि दुनिया भर में अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो अंग्रेजी है, और फिर तीसरी भाषा है जो वो कहते हैं कि आप जो आपकी जगह की, आपकी लोकल, जो आपकी जिसको हम अंग्रेजी में नेटिव बोलते हैं, आप जहां से हैं, चाहे आप केरला से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे भारत में इतनी भाषाएं हैं कि हम एक हिस्से से दूसरे प्रांत में, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाते हैं तो हम बहुत आसानी से हमारी भाषा बदल जाती है। तो हमें वही नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन जो हिंदी है, हिंदी ऐसी भाषा है जिसे कि मैं मृणालिनी धुले जी उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसे कि मैं आप सबके साथ बांटना चाहूंगी कि संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी,
संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी, सुंदर है मनोरम है, मीठी है सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। तो ये जो हमारी भाषा है, ये भाषा जो होता है वो एक हम कहते हैं विषय है या वो एक संवाद करने का तरीका है। तो अभी जैसे प्रदीप जी ने इतना मधुर संगीत और गाना गाया जिससे कि हमारी अंतर आत्मा खिल गई, और उससे क्या होता है, वो भी एक भाषा है, संगीत भी एक भाषा है। हम ये कहते हैं कि जिस जरिए हम या जिस रास्ते हम अपनी बात कह सकें या हम अपने आप को समझा सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, उस चीज को हम भाषा बोलते हैं। आज भाग्य से हमारा हिंदी दिवस है, तो जो संगीत से जो ध्वनि जो स्वर निकलते हैं वो हमारे अंदर एक तरंगे लेकर जाते हैं और हमें लाभान्वित करते हैं, खुश करते हैं और हमें दिमाग में शांति भी मिलती है। तो हमें कोई भी मानसिक तनाव नहीं होता अगर हम संगीत सुनते हैं, तो हमें कुछ नहीं होता, हम बल्कि बहुत ही खुशी महसूस करते हैं और आंतरिक खुशी और अंतर मन से खुशी महसूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया में संगीत को भी बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक तरह का मेडिटेशन है और हम उसको हम कहते हैं ध्यान क्रिया, या हम उससे हमें मानसिक संतुलन ही नहीं बनता लेकिन हम एक भाषा सीखते हैं, एक संगीत की भाषा, एक ध्वनि जिसके रास्ते हम दूसरों से अपने मन के विचार प्रकट करते हैं और हम संवाद कर सकते हैं। और जो पक्षी हैं उनकी अपनी भाषा है, पक्षियों की अपनी भाषा है, इंसानों की अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी ऐसी मधुर भाषा है कि हम जब किसी से नमस्ते भी बोलते हैं तो इससे हमारे जो नमस्ते जो है आज की तारीख में, जब दुनिया भर में ये कोरोना ने अपनी महामारी मचा रखी है, इसका प्रकोप है दुनिया भर में, तो हम नमस्ते करके हमने अंग्रेजों की तरह हाथ नहीं मिलाया, हमने हैंडशेक नहीं किया, हमने नमस्ते का प्रचलन किया कि नमस्ते करो दूसरे को, आप हृदय से आपका हृदय मिलता है जब आप नमस्ते कहते हैं। मैं आपको यहाँ अपनी जो मेरे पेशेंट्स हैं वो मेरे पास आते हैं, मरीज आते हैं, और हिंदी जो है, मैं ये नहीं कहती कि हमें सिर्फ हिंदी में संवाद हमें सिर्फ हिंदी दिवस पे करना चाहिए, हमें हिंदी का संवाद हमें हर रोज हर क्षण हर वक्त करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हिंद है, हिंदुस्तान है और आप अपनी माता को याद करते हैं और मातृभूमि को याद करते हैं। तो जब मेरे पास एक मरीज आया जो कि ऑस्ट्रेलियन है, उसकी शादी फिजी इंडियन से हुई है, फिजी में हमारे बहुत हिंदुस्तानी रहते हैं, मैं यहाँ हर दूसरे हफ्ते
मैं यहाँ रेडियो पे आती हूँ, आयुर्वेद में मेरी इंटरव्यू करते हैं, वो मेरे से संवाद करते हैं इसी चीजों को लेके कि, और मैं वो सब हिंदी में ही करती हूँ क्योंकि फिजी जो है वो हिंदी ही समझते हैं, वो इनका सामाजिक वो जो ये समाज में कुछ भला करना चाहते हैं या कोई भी सामाजिक कार्य करना चाहते हैं जिससे कि ये पूरी जनता का या समूह का भला करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं, सहयोग देते हैं, वो रेडियो में जब मैं आती हूँ तो मैं हिंदी में ही अपना सारा संवाद करती हूँ, और जो मेरी से संक्षेप में जो भी मैं कहना चाहती हूँ आयुर्वेद को लेके वो सब हम हिंदी में ही करते हैं। और मेरे पास जब वो मरीज आया, उसने मेरे को आते ही कहा, विनीता जी कैसी हो, नमस्ते। वो अंग्रेज है और जब वो आया तो वो कृष्ण भक्त है, और उसने जब ये बोला कि नमस्ते विनीता जी कैसी हो, मैंने कहा अरे जेफ आप हिंदी बोलते हो, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि अच्छा और कैसे कैसे क्या क्या बोल सकते हो हिंदी में, तो कहते मैं पूरी हिंदी बोलता हूँ। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत ही चमत्कारी है। तो फिर उसके बाद वो जब भी मेरे पास आता वो मेरे साथ हिंदी में ही बात करता था। तो हम जब ऐसे ही पहले पहले शुरू शुरू में जब हम ऑस्ट्रेलिया आए, हम लोपथगामिनी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो हमारे सामने चाइनीज भी बैठे थे, यूरोपियन भी बैठे हैं, रशियन भी बैठे थे, हमारे हिंदुस्तानी भी बैठे थे। तो चाइनीज अपनी चाइनीज भाषा में बात कर रहा था, यूरोपियन अपनी भाषा में बात कर रहा था, रशियन अपनी रूसी में बात कर रहा था, और जो हिंदुस्तानी है वो अंग्रेजी में बात कर रहा था। वो कहते क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है कि जो हमारे सामने बैठा है उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है। अगर आप उनके सामने, अंग्रेजों के सामने अगर आप अपनी भाषा में बात करो, मुझे बहुत गर्व है कि हमें हिंदी आती है और हम हिंदी में कर सकते थे और हैं, पर ये भी गर्व की बात है कि हम अपनी दूसरी जो सामाजिक जो हमारी रीतियां हैं हम उनकी भी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी कि हम अपनी भाषा की करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो अपमानित महसूस करें कि ये कुछ ऐसा कह रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ अगर वो अपाहिज है, उसको सुनाई नहीं देता या उसको दिखाई नहीं देता, तो आप दूसरी अपनी चिन्ह भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो आप इशारों से समझाते हैं, तो आप कहते हैं कि अरे ये बेचारा बहरा है, ये इसको दिखाई नहीं देता, इसको सुनाई नहीं देता, तो आपको फिर भी तो कोई भाषा इस्तेमाल करनी होती। तो भाषा क्या है? भाषा वो है जो हमें संवाद देती है, हमें एहसास देती है, हमें महसूस करवाती है। हम भाषा के रास्ते दूसरों को महसूस करवाते हैं। तो आज अब इसमें हिंदी में मैं ये भी बताऊंगी कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा हिंदी का क्या है। थोड़ा लंबा हो गया तो मुझे माफ कर दीजिएगा तोमर जी। हाँ मैं वैसा है कि अभी 8:30 दूसरा प्रोग्राम हम लोगों का है जी, तो मैं फटाफट करती हूँ। हाँ, कि अंग्रेजी में नंबर थोड़े कम आते हैं, अंग्रेजी बोलने से भी घबराते हैं, पर स्टाइल के लिए पूरी जान लगाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में हिंदी का बोलबाला था, माँ की आवाज में भी सुबह का उजाला था। उस माँ को अब हम मॉम बुलाते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। देश आगे बढ़ गया
पर हिंदी पीछे रह गई। इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है पर हिंदी भी तो हमारी पहचान दुनिया में करवाती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर बिठाएं? आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। Awesome. तो ये हमारा ये है कि हमें अपनी मातृभाषा की इज्जत करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में 6 यूनिवर्सिटीज जो हैं हिंदी सिखाते थे, 6 यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती थी, अभी मात्र एक रह गई है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, तो जिसकी हमें बहुत चिंता होती है। तो ये जो हमारी संस्था है घर्स, आप भी उसे उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप है घर्स करके, तो वो मैंने तोमर जी के साथ भी आज शेयर किया था, तो आप उसको बांट सकते हैं, तो आप हमारे साथ संबोधित रह सकते हैं। तो इसमें यही है कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदी अंग्रेजी के बाद दूसरी सबसे ऊपर भाषा है जो कि इस्तेमाल में आती है ऑस्ट्रेलिया भर में। और आज जब जो हमारे हिंदुस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अब बहुत ज्यादा उस पे जोर दिया जा रहा है कि हम इनको कैसे एक करें, क्योंकि हिंदुस्तान की जो हमारी जीवन शैलियां हैं और पद्धतियां हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत मिलती हैं। तो अभी चाइना के साथ जैसे हमारे ऑस्ट्रेलिया के संबंध कोई खास अच्छे नहीं रहे, तो अब इंडिया के साथ इनका बहुत ज्यादा वो हो रहा है। तो अभी हमारा यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या है वो 6,60,000 के करीब हमारे हिंदुस्तानी हैं आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में। और हिंदी जो है उसको ये माना जाता है कि ये हमारा एक क्या कहते पुल बनेगी और हमें दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत करेगी। तो इस वजह से अभी हमारी डिफेंस मिनिस्टर पीटर डटन ऑस्ट्रेलिया से और हमारी फॉरेन मिनिस्टर मरीज पाइन आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं, क्योंकि वो वहां गए हुए हैं ये अपना अंग्रेजी MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की, उसको हम हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्ते को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो यही कहते हुए कि हमारी जो हिंदी है वो छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में 2015 में शुरू हो गया था यहाँ पे पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले चीनी पढ़ाई जाती थी, सिर्फ चीनी पढ़ाई जाती थी और फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, एक यूरोपियन थी, फिर इन्होंने ग्रीक और हिंदी को यहाँ पे शुरू किया क्योंकि हिंदी की बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पे गुजारिश की कि हमें हिंदी चाहिए। तो इस ढंग से मैं यही कहना चाहूंगी आज हिंदी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी मुझे संवादित करने के लिए। तो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और मैं बाकी सब अतिथिगण को मेरा नमस्कार, आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बनीता जी, आपका जो संदेश है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू बस दैव कुटुंबकम, ये हमारा जो संदेश है आप निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में इसको क्रियान्वित कर रही हैं। आपकी इस जज्बे को मैं नमन करता हूं। और अवनीश जी समय की बाध्यता को देखते हुए आप अग्रिम हमारे स्वर सम्राट भाई इंद्रनीत बसु जी को आमंत्रित करें और ये अपनी स्वर की रागिनी से हम लोगों को आह्लादित करें। डॉक्टर अवनीश जी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर इंद्रनील सर का। आप आरोग्य भारती काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं और आप डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी।
डॉक्टर अशोक कुमार वाष्णी भाई साहब और भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव जी, हमने सुना, उम्मीद करते हैं वो अभी वीडियो में नहीं लेकिन सुन रहे होंगे, कुछ गाना सुनाते हैं। डॉक्टर तोमर जी तो एज यूजुअल लीड लेकर के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी भी कार्यक्रम को एक कुछ ही मिनटों में ऑर्गेनाइज कर देते हैं, बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है। इवेंट मैनेजर की हिंदी मुझे मालूम नहीं, माफी चाहूंगा, लेकिन अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए ये टर्म बेहतर है। डॉक्टर अवनी जी तो बहुत बढ़िया संचालन कर ही रहे हैं। मैं बंग भाषी हूँ जैसा कि आप जानते हैं, और बंग भाषी हूँ लेकिन मैं बंगाल का नहीं, ऐसा एक्चुअली बात यह है कि मैं बिहार का, मैं जमशेदपुर का हूँ, और अभी वो बिहार में नहीं है, झारखंड है, लेकिन जमशेदपुर वाले अपने आप को बिहारी समझते हैं क्योंकि हमारा बचपन बिहार में बीता है, तो मैं बिहारी झारखंडी हूँ ऐसा कोई कहता नहीं हमारे जनरेशन का, तो बिहारी हम हैं। लेकिन बिहार की जो हिंदी थी या जमशेदपुर की हिंदी खास तौर पर कह लीजिए, हम उधर जाएगा फिर हम बोलता है वो कर रहा है कर देना या जाता है आता है, तो वहाँ की हिंदी बहुत शुद्ध नहीं थी। हमारे बचपन के अभी जो दोस्त हैं उनकी हिंदी मैं जब उनसे बातें करता हूँ, बोलते यार तुम हिंदी में बातें करो, तुम किस भाषा में बात कर रहे हो, तो कुछ कुछ शुद्ध भाषा मेरी बोली में आ जाती है और ग्रामर थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैं बिहार से बनारस आया 1983 में, तो यहाँ रहते रहते मेरी हिंदी बेहतर हो, और मैं देखता हूँ कि कुछ काशी का महत्व है कि वो सिखा देता है लोगों को, है सर्व विद्या की राजधानी, तो कुछ ना कुछ तो सिखाएगा ही। हमारी चिकित्सा विद्या के अलावा भी उसने मुझे संगीत सिखाया, उसने मुझे कला सिखाई और हिंदी भी सिखाई, तो यहाँ पर रहकर मेरी हिंदी बेहतर हुई और मैं अभी भी हिंदी में बातें करता हूँ, तो कोई मुझे खास तौर पर टोकता नहीं कि आप बंग भाषी हैं कि क्या है, आमतौर पर लोग पकड़ नहीं पाते। एनीवे, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, पिछले साल हिंदी दिवस मेरी कैसी बीती मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल मेरी तरफ से मुझे कॉन्टैक्ट किया गया नेशनल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की तरफ से, उनका वार्षिक बैठक जो है काशी में आयोजित हो रही है, तो कोई हमारे मित्र वहां पे रहे होंगे चिंतक, वो मुझे कहा कि आप आकर, हाइपर टेंशन पर कुछ हमारे जो डेलीगेट्स आए हैं पूरे देश भर से, उनको कुछ संबोधित करिए, कुछ प्रबोधन दीजिए उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो मैं जो है मैंने पूछा कि कितने देर का रहेगा उद्बोधन, बोले 45 मिनट एक घंटा, बस आप ही का है उद्बोधन और किसी का नहीं है, जनरल मैनेजर आए हुए हैं नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के दिल्ली से, बेंगलोर से, मुंबई से, कौन कौन, बोले अच्छी बात है। तो मैं अपना पूरा पुलिंदा लगा करके 62 स्लाइड में लैपटॉप में लेकर मैं पहुंचा वहां पर, और बहुत बड़ा था हॉल, क्लार्क्स का एकदम विशाल हॉल, उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा है हिंदी दिवस और नेशनल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन एक्सेटर फलाना दिखाना, लेकिन ऊपर हिंदी दिवस। अब मुझे मालूम नहीं कि हिंदी दिवस उस दिन था, तो मैं बोला हिंदी दिवस है, फिर वो लोग हमसे कहे भाई साहब आपको किसी ने बताया नहीं कि आज हिंदी दिवस है, हमारी जो भी गतिविधियां हैं बातचीत है सब हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है हिंदी में होनी तो चाहिए, लेकिन आप तुम्हें बताए होते, मैं एक घंटे का प्रिपरेशन में स्लाइड बना के अंग्रेजी में बना के लाया हूँ, हिंदी में कुछ क्या होता। चलो ठीक है, नहीं बोले नहीं डॉक्टर साहब कोई बात, आप डॉक्टर साहब चलता है, चलेगा कैसे, आप हिंदी दिवस मना रहे हैं, मैं ना क्यों मनवाऊं। तो मैंने पूरा जो एक घंटे का लेक्चर स्लाइड में अंग्रेजी में चलाया, और जो जो स्लाइड में एक एक अक्षर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलता रहा, और एक मैंने शब्द अंग्रेजी का नहीं उच्चारित किया, और खुद टर्मिनोलॉजी भी कोशिश किया कि हिंदी में बताऊं, उनको बड़ा मजा आया। तो लेक्चर के बाद तो मेडिकल के सवाल उन्होंने पूछे बहुत सारे, लेकिन ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि मैंने हिंदी में पूरा वार्तालाप किया, पूरा जो है संबोधन प्रबोधन जो है मैं हिंदी में, और उसी के बाद से मुझे हिंदी में प्रबोधन देने का आनंद आने लगा। और पहले मैं अधिकतर जो भी, फिलहाल तो आरोग्य भारती के सारे प्रबोधन हिंदी में होते हैं, लेकिन अन्य जो प्रबोधन होते हैं नॉन आरोग्य भारती, IMA के हुए या फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पॉन्सर्ड हुए या नेशनल लेवल के जो टॉक्स हुए, उसमें भी मैं हिंदी में बोलने लगा हूँ। विश्वास करिए, पहले मैं डिमार्केट करता था, टेक्निकल चीजें अंग्रेजी, पूरा टोटल अंग्रेजी में भाषण देता था, आरोग्य भारती में टोटल हिंदी में बोलता था, अब वो डिमार्केशन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मैं टेक्निकल जो लैंग्वेज लेक्चर्स होते हैं उसमें भी आधा मेरा हिंदी घुस जाता है, और इसे लोग बुरा नहीं मानते, विश्वास करिए आजकल लोग उसे अच्छा मानने लगे, लोग ट्रेंडी मानने लगे हैं कि हिंदी में, शुद्ध हिंदी में हम बातें कर रहे हैं, ये ट्रेंडी हो गया है, और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। और हम जब कभी बोलते हैं कोई लेक्चर हिंदी में, और हम देखता हूँ कि उसके बाद के जो प्रबोधन देने वाले आते हैं वो भी कुछ कुछ हिंदी में बोलने लग जाते हैं,
तो ये कम्युनिकेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि किस भाषा में आप बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ किस सहजता के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने विचारों को पहुंचा पा रहे, आदान प्रदान कर पा रहे हैं, ये सबसे जरूरी है कि मातृभाषा में बात की जाए। कहा जाता है कि राजा भोज के यहाँ पे किसी राजा भोज की अकबर की बीरबल ये नहीं कहानी, ये है कि राजा भोज के यहाँ पे कोई बहुत बड़े विद्वान आए उनके दरबार में, तो वो तरह तरह की भाषाओं में बातें करने लगे, हजारों भाषा में बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आप जरा गैस करो कि मैं खुद मातृभाषा मेरी क्या है, तो कोई गैस नहीं कर पाया। तो गंगू तेली को राजा भोज ने कहा कि भैया आप जाके देखिए कि ये किस भाषाविद हैं, और हम पता लगाते हैं, आप चिंता मत करिए। तो भाई साहब बोले आप ठीक है, खाना वाना खाइए, रेस्ट करिए। तो अपने विश्राम गृह में सो रहे थे और रात के 1 बजे जाकर के एक घड़ा ठंडा पानी लेके गंगू तेली उसके मुंह पे मारती पानी से, वो उठ के गाली देने लगा। तो अब अपनी मातृभाषा में उसने गाली, उसी से पकड़ लिया गंगू तेली ने, ये इसकी मातृभाषा ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने अंतर्मन की जो बात होती है सबसे बढ़िया अपनी मातृभाषा में ही प्रकट होती है। आप अंग्रेजी में बोल रहे होंगे लेकिन सोच रहे हैं हिंदी में, सोच करके ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में, बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहे हैं लेकिन आप उसको सोच रहे हैं मातृभाषा में, फिर उसको आप ट्रांसलेट करें अंग्रेजी में। तो मातृभाषा सोचिए, बोलिए, पढ़िए, सब कुछ करिए, और मातृभाषा को प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक सूत्र से हम सभी को, हमारे सभी के सोच को बांधता है। तो मुझे बोलने के लिए नहीं बोला गया था लेकिन मैं रोक नहीं पाया, मैं कुछ गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे गाने की ही तारीफ हुई, तो मैं कुछ आपको गाना सुनाना चाहूंगा। तो यह तो मेरे पास तो ऑडियो सिस्टम नहीं है, ऐसे बैठा हूँ, पिछले बार मैं ऑडियो सिस्टम के साथ गाना गाया था, लेकिन मैं आपको एक गाना मैं सुना रहा हूँ। तो ये गाना, ये जो गीत है, ये लता जी का गीत है, ये लता जी का गाना है, और मैं लता जी के गाने को मेल वॉइस में गाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कुछ रेयर होता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत फेमस गाना है, लग जा गले, बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना है, लग जा गले कि फिर किसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। तो लता जी का ये अनूठा एक स्तर है जो हम लोग अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम अलग तरीके से इस गाने को गाएंगे, और मेल संगीत, मेल वॉइस में कैसा लगता है आपको बताइएगा। म्यूजिक में प्ले करो, पहले आप बता दीजिएगा कि सुनने में आ रहा है कि म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है कि आवाज आ रही है। जी 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 जी, जी कुछ आ रही है, आ रही ठीक है ना। हाँ, लग जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागने से ये अनप्लग्ड वर्शन है लता जी के गाने का, मॉडर्न म्यूजिक के साथ, इसलिए मैं अपने अपने स्टाइल में गा पा रहा हूँ। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जागले महेंद्र नहीं जो जो रास्ते में बड़ी मेहनत
कौन है? एक और संजय, आवाज आ रही ठीक ठाक म्यूजिक के साथ? जी सर आ रही। ठीक, ये अंतिम स्टैंजा है, बहुत ही रोमांटिक स्टैंजा है। पासाए के हम नहीं आएंगे बार बार, गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो रहा, शायद फिर इस जन्म मुलाकात हो ना, लग जागने के फिर ये हसी रात हो ना, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना, लग जागने के फिर ये हसी रात हो ना। धन्यवाद। एक स्वर का समा बांध दिया और आपने इस रोमांटिक गाने से हम लोगों की अस्मिता को झकझोर दिया है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवनीश जी, अब आप स्वर के इस जादू से थोड़ा सा अपने आप को मोड़ करके काव्य की गली में चले और हमारे सुशील सोमवंशी जी को वन अनुसंधान प्रमुख, हमारे जो अधिकारी हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, उनको आमंत्रित करें और उनकी कविता का थोड़ा आनंद लें। डॉक्टर अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर संजय सिंह जी। जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद, विशेष तौर अवनीश जी और तोमर साहब का, और समय न लेते हुए एक नई कविता जो पहली बार सुना रहा हूँ किसी मंच पर, वो आपके सामने प्रस्तुत है। राइट। और किसी भी कविता के प्रति पीछे कोई भूमिका होती है, कोई कहानी होती है, तो इस कविता को जब आप सुने, ये गीत है एक नवगीत, इसको आप सुने तो ये सोच कर सुने कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा प्रेमी है कि जिसका जो प्रेम सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो दूसरे के प्रेम को सफल करने में बाधा नहीं बनता है। तो इस गीत को मैं प्रेत आप सभी के सामने शुरू करता हूँ। प्रियतम के प्रिय के पथ में, प्रियतम के प्रिय के पथ में, जो पुष्प बिछा कर आया हो, खुद को खोकर मन के भीतर जो प्रेम बचा कर आया हो, किंचित उसका हो जाने से, किंचित उसका हो जाने से, कोई कैसे बचे, कोई कैसे बचे, कोई कैसे बचे, तुम बोलो भला, तुम बोलो भला, तुम बोलो भला। और शादी का माहौल है, उत्सव की मधुरिम रागिनियों में रुदन दबा कर लौटा हो, उत्सव की मधुरिम रागिनियों में रुदन दबा कर लौटा हो, सौ बातें समझा साथी को, निज प्रणय छिपा कर
लौटा हो उस पर सौ गीत लुटाने से उस पर सौ गीत लुटाने से कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे तुम बोलो भला तुम बोलो भला तुम बोलो भला अपने सपनों की बलि दे कर मन मीत के जीवन को भर दे एक मौन पराजय से अपनी दो विजय सुनिश्चित जो कर दे उसको जय एक दिलाने से उसको जय एक दिलाने से कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे तुम बोलो भला तुम बोलो भला तुम बोलो भला ऐसा प्रेमी विरला जिस का जग कितना ही उपहास करे खोने पाने से दूर निकल जो मस्त मगन उल्लास करे इस योग पे शीश नवाने से इस योग से शीश नवाने से कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे कोई कैसे बचे तुम बोलो भला तुम बोलो भला तुम बोलो भला और तुम संग कितना तुम संग कितना छोटा सा दिन तुम ना हो तो बीते पल गिन तुम संग कितना छोटा सा दिन तुम ना हो तो बीते पल गिन फिरे बावरा अनुरागी मन संग तुम्हारे या हो तुम बिन तुम संग कितना बासंती फूलों से महके कोकिल कंठ मधुर बन चहके आँच गुनगुनी होकर दहके आँच गुनगुनी होकर दहके तुम जब हो तो मेरे पल चिन तुम संग कितना छोटा सा दिन रूप राशि की जो सुरलय है मेरी आँखों का विस्मय है खो जाए ना अब ये भय है शुभ संगति के सुंदर शुभ दिन साथ तुम्हारे या हो तुम बिन तुम संग कितना छोटा सा दिन। बहुत धन्यवाद। मैंने हिंदी दिवस की मर्यादा को रखते हुए सारे शब्द हिंदी के प्रयुक्त किए हुए हैं।
और इस गीत में हिंदी का एक हिंदी की एक आत्मा आपको निश्चित दिखी होगी इन दोनों गीतों में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय सिंह जी, सिसिर सोमवंशी जी, आपने बिरह की संज्ञा की जो जो आपने आभा बिखेरी है, तो एक शब्द चार चीजें आपके सामने कहना चाहूंगा, दो पंक्तियां आपके सामने, कि ऐसा ही बिरही व्यक्ति एक अपनी भावना रखता है, कितनी त्याग की भावना है। मैं तो जाता हूं दुनिया से, तू जहां रहे खुशहाल रहे, और जब तक जीवे इस दुनिया में सिंदूर से माथा लाल रहे। तो इस प्रकार की हमारी जो संस्कृति है, हिंदी की संस्कृति को आपने जो छटा बिखेरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक उत्कृष्ट कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम लोगों का जो मनोरंजन किया डॉक्टर सिसिर जी। अब अवधीश जी, रंजन बिसत जी हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, तो आपसे कहिए कि आप अपनी कविता उद्बोधन से हम लोगों को लाभान्वित कराए। डॉक्टर रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं, और आप सरकार में आप चिकित्सा अधिकारी हैं, आप इस समय बहुत बहुत स्वागत है आपके उद्बोधन के लिए, आपके रचना के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी, और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा डॉक्टर जी एस तोमर साहब को, आज आरोग्य भारती के वाष्णेय सर यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। वनिता जी ऑस्ट्रेलिया से उपस्थित है, उनको भी अभिनंदन है, मेरा अभिवादन, और पटल पर उपस्थित सभी विद्युत जनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं, बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात रखता हूँ दो तीन छंदों के माध्यम से। जी जी, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है, उसकी मर्यादा का भी पालन हम लोगों को करना है, तो सीधे सीधे मैं दो तीन छंद हिंदी को समर्पित करना चाहता हूँ। भाषाओं के झंझटों को दूर करने के लिए लोगों की है एकमात्र आशा देवनागरी। भाषाओं के झंझटों को दूर करने के लिए लोगों की है एकमात्र आशा देवनागरी। और गांधी दयानंद और विवेकानंद राम तीर्थ सबकी रही है अभिलाषा देवनागरी। तो सोए हुए मानवों में चेतना जगाएगी ये, दूर करेगी हर निराशा देवनागरी। सोए हुए मानवों में चेतना जगाएगी ये, दूर कर विहर निराशा देवनागरी। और वैसे तो ये लिपि है मगर विश्व मानसों में बसी है विशद बन भाषा देवनागरी। वैसे तो ये लिपि है मगर विश्व मानसों में बसी है विशद बन भाषा देवनागरी। और एक विडम्बना एक कुछ शब्द कुछ छंद के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ, ये कि अंग्रेजी माध्यम से पले और बड़े हैं जो बन के विशिष्ट फूले और फले जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से पले और बड़े हैं जो बन के विशिष्ट फूले और फले जाते हैं। और कैसे करे लांछित विदेशियों को भारतीय अपनों के द्वारा ही जो आज छले जाते हैं। तो कब सुध लेंगे यह भारत के कर्णधार सोच कर यही उत्साह गले जाते हैं। कब सुध लेंगे यह भारत के कर्णधार सोच कर यही उत्साह गले जाते हैं। और भारतीय भाषा हिंदी जो भी अपनाते हैं वो आज प्रतियोगिता में पीछे चले जाते हैं। भारतीय भाषा हिंदी जो भी अपनाते हैं वो आज प्रतियोगिता में पीछे चले जाते हैं। तो और अंतिम चंद, सप्ताह पाक्षिक या मासिक को मनाने मात्र सेना राष्ट्रभाषा यहाँ हिंदी बन पाएगी। मेरा कहना है कि सप्ताह पाक्षिक या मासिक को मनाने मात्र सेना राष्ट्रभाषा यहाँ हिंदी बन पाएगी। मन में है और कर्म की है कुछ ही और नीति देशवासियों के मन में मानस दुखाएगी। तो बिल दृढ़ आसे पास हो कि दोनों सदनों में हिंदी देश ही राष्ट्रभाषा कहलाएगी। बिल दृढ़ आसे पास हो कि दोनों सदनों में हिंदी देश ही राष्ट्रभाषा कहलाएगी। और फिर देखना के दायरा ये भारती का छोर विश्व के फलक पर कैसे मुस्कुराएगी। फिर देखना के दायरा ये भारती का छोर विश्व के फलक पर कैसे मुस्कुराएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद बिशद जी, विश्व के पटल पर कैसे मुस्कराएगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने आपकी प्रस्तुति को अपने शब्दों में किस प्रकार से बांधा है, आपकी क्षमता को, आपके कृतित्व को प्रणाम और नमन। बहुत सुंदर आपकी अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति ने हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमारे साथ उपस्थित हुए। अवनीश जी, अब आप डॉक्टर बी एन त्रिपाठी जी सर हमारे साथ जुड़े हुए, आपकी अनुमति हो तो सर एक गीत हो जाए फिर उसके पश्चात तो गीत में आप राकेश जी को बुला लीजिए, राकेश कुमार एक हैं उनको भी जोड़ लीजिए, डॉक्टर राकेश कुमार। हाँ सर, राकेश कुमार जी को बुला लीजिए सर, कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ जी धन्यवाद अविनेश जी, धन्यवाद अविनेश जी, परम आदरणीय तोमर सर और इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए सभी महानुभावों और बुजुर्गजनों को मेरा सादर प्रणाम। और आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर। तो एक मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, काफी पुराना गाना है ये, किशोर कुमार के द्वारा गाया हुआ। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, तुम इन सब को छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी, मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 सुंदर गीत आपका रहा। आपके गीत ने हम लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, विनीता जी के चेहरे पर नींद गायब हो गई है, वो वनिता जी आनंद पूरा ले रही है, ऑस्ट्रेलिया तक आपके गाने की धूम मच रही है, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत सुंदर आपने गाना गाया। अवनीश जी, जी सर, बी एन त्रिपाठी जी के बाद आपको भी गाना सुनाना है। मैं जी सर, बी एन त्रिपाठी जी को आमंत्रित करिए पहले। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर बी एन त्रिपाठी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके गीत के लिए आपकी रचना के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। उत्कृष्ट होगा, भोजपुरी भाषा में गीत सुनाए आप, जो भी सुना रहे हो सुनाए त्रिपाठी जी। सबको सादर प्रणाम, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। आज 11 बजे मैं बैठा था तो दिवस की ध्यान आया, आज तो हिंदी दिवस है तो हमने बिल्कुल रिसेंट अभी कविता पूरी हुई है हमारी, अभी अभी आपके सुनते सुनते हमने कविता को पूरा किया है और उन पंक्तियों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हिंदी मातृभूमि की भाषा हिंदुस्तान की वाणी है,
सबके मन को छूने वाली हिंदी दिल की भाषा है, भाषा मूक मिला बचपन में, भाषा मूक मिला बचपन में, माँ के सहज संकेतों में फूट पड़ी शब्दों में हिंदी, फूट पड़ी शब्दों में हिंदी, माँ संहर किलकारी में हिंदी परिवेश मिला हर पल, हिंदी भाषा दिल को भाई, मधुर सरल शब्द मनोहर, हिंदी भाषा मन पर छाई। 14 सितंबर 1949 राजभाषा हिंदी का मान मिला, भारत की भाषाओं में हिंदी को अप्रतिम सम्मान मिला, तुलसी सूर कबीर मीरादि से हिंदी को नव सोपान मिला, महादेवी दिनकर निरालादि से हिंदी को नव आयाम मिला, संगम की कल कल ध्वनियों में होता हिंदी का गुणगान है, भारत में निश्चल बहती नदियां करती हिंदी का यशगान है, वीर सपूतों की यह धरती हिंदी हिंदुस्तान है, इसी से हम सब हिंदुस्तानी, हिंदी ही पहचान है, जितनी भी भाषाएं जग में इनकी हिंदी जान है, भारत की भाषाओं में हिंदी की अपनी छाप है, बेटी यह संस्कृत भाषा की सबकी दुलारी प्यारी है, इससे है पहचान हमारी सारी दुनिया कहती है, भारत की भाषाओं में हिंदी का अद्भुत सम्मान है, सबको एक सूत्र में बांधने वाली हिंदी अमृतमय वाणी है, भोजपुरी अवधि ब्रजभाषा हिंदी की बहने लगती हैं, सब भाषाएं हिंदी से जुड़कर हिंदी का मान बढ़ाती हैं, दुनिया के हर देशों में हिंदी भाषी मिल जाएंगे, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में हिंदी से पहचाने जाएंगे, हिंदी के कलेवर ले भाषाएं हर दिल में उतर आई, हर भाषाएं सहज हो गई, राष्ट्रभाषा हिंदी बनकर आई, गर्व करें हम हिंदुस्तानी, हिंदी से हिंदुस्तान है, राष्ट्रभाषा हिंदी भारत में जन जन चेतन संचार है। अब अंतिम पंक्तियां जो है, राही दुनिया में देवनागरी लिपि हिंदी का परचम लहराए, समृद्ध शब्दों से भरी हुई हिंदी विश्व की भाषा बन जाए, हिंदी विश्व की भाषा बन जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपने अपनी जीवन रचना के द्वारा हम लोगों को उद्बोधित किया और बहुत उत्कृष्ट रचना आपने हमारे सामने प्रस्तुत की, बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीश जी, आप अपना एक गाना या एक कविता आज के दिवस पर आप प्रस्तुत करें, और उसके बाद में समापन करने के पहले अपने चॉइस के एक संगीतकार को बुलाने के बाद समापन कराएंगे। आपकी चॉइस क्या है सर? हम चाहते हैं कि हम सबसे लास्ट में अपना एक प्रस्तुति दें, उससे पहले सिन्हा सर को एक बार सुनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ आपकी आपकी चॉइस क्या है, मैं जानता हूँ सिन्हा साहब के गीत से आप बहुत आह्लादित होते हैं। सिन्हा साहब एक बार समा बांध दीजिए आप, उसके बाद हम समापन कराएंगे। सिन्हा साहब दोनों माइक। चलिए थोड़ा, क्योंकि आवाज ही आदमी की ऐसी होती है जो उसकी पहचान रहती है, और सब कुछ खत्म हो जाता है लेकिन आवाज से आदमी को पहचाना जाता है, नाम खो जाता है, सब कुछ खो जाता है, लेकिन एक आवाज ऐसी चीज है जो हमेशा कायम रहती है। लीजिए युगल गीत मीनू सिंह के साथ,
घरे याद रहे साहब, आपने सभा बांध दिया और सभी लोगों को पुनः जो है चेतना का संचार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अवनीश जी सर। आईजी महेंद्र सिंह, डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार जी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
दो मिनट उनका एक संदेश आप सुनने के बाद में अपना गाना प्रस्तुत करेंगे। तो अपने इसी जरा आमंत्रित करिए महेंद्र सिंह सिकरवार साहब को। सर दिख नहीं रहे हैं सर। हाँ तो तब तक आप शुरू करिए जी, आप शुरू करिए। वो जुड़ गए हैं सर, देख लीजिए एक बार जुड़े हैं। एक सेकंड बस। सर अनम्यूट कर लीजिए सर, सर अनम्यूट कर लीजिएगा। सर आप म्यूट हैं सर। अनम्यूट करिएगा सर अपने आपको। हाँ अभी मैं दो मिनट भेज रहा हूँ जी सर। सर उनको सर या तो फोन पे ही ले लीजिए उनको। फोन पे लाउड स्पीकर पे। आपकी आवाज आ रही है, इसी पे आप बोलिए। आपकी आवाज सुन रहे हैं, संदेश आपके जा रहा है प्लीज। मैं पहले तो सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि मैं परिहार कारणों से जो है मैं शामिल नहीं हो पाया, ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ इसको। और सबसे पहले आप सब लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हिंदी हमारे संस्कृति के भाल पर ऐसा जैसी बिल्ली है जो कि हमारा सबका हमारे सबको अभी हमारे सबकी अभिव्यक्ति उसमें प्रकट होती है। तो मैं सबसे पहले इस पे बधाई देता हूँ आपको। और इतना अच्छा आयोजन हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर चाचा जी ने किया है, पहले सबसे उनको साधुवाद देता हूँ। और बाकी सब लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ईश्वर अभी दोबारा जब कभी ऐसा अवसर देगा तो मैं आपके साथ फिर होऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद। हाँ आप डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार साहब अपनी शासकीय कार्यों की व्यस्तता के कारण मीटिंग से भी लौटे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इसमें जुड़ करके हम लोगों को उत्साहवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस टेलीफोनिक उपस्थिति के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ अवनीत जी, अब आप अपने गाने से सभा को समापन करेंगे। जी सर। ओके। आज 14 सितंबर के इस पुनीत हिंदी दिवस के समारोह में आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं, मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हिंदी का बोल हूं मैं ही उर्दू जबान हूं, हिंदी का बोल हूं मैं ही उर्दू जबान हूं, गीता का श्लोक हूं मैं आयते कुरान हूं, गीता का श्लोक हूँ मैं आयते कुरान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, मैं हर वतन परस्त की जानो जहान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ, धड़के जो सबके दिल में वो हिंदुस्तान हूँ। दूसरी रचना है, सरलता है सबलता है सहज संस्कार है हिंदी, सरलता है सबलता है सहज संस्कार है हिंदी, है माँ की गोद ये हिंदी पिता का प्यार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी मेरा व्यवहार है हिंदी, मेरा अधिकार है हिंदी मेरा व्यवहार है हिंदी, भवन भाषा का जिस पर है वो दृढ़ आधार है हिंदी। बहुत खूब। भवन भाषा का जिस पर है वो दृढ़ आधार है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, कभी मीरा कभी तुलसी कभी रसखान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी, हमारी संस्कृति साहित्य की पहचान है हिंदी।
प्रगति पथ का प्रथम सोपान है उत्थान है हिंदी। प्रगति पथ का प्रथम सोपान है उत्थान है हिंदी। हमारी जान है अभिमान, हमारी शान है हिंदी। सभी को धन्यवाद इस रचना के साथ। आप बहुत बहुत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी, समा बांध दिया आपने, बहुत आनंद आया। और अब कार्यक्रम को हम समापन पर ले चल रहे हैं। अब हमारे सामने मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई अशोक कुमार बासने जी, जो कि हमारे साथ उपस्थित हुए और उन्होंने हमने मुख्य अतिथि के अनुमोदन में हिंदी की महत्ता के ऊपर प्रकाश डाला, हिंदी की आवश्यकता के ऊपर प्रकाश डाला। आज हमारे विशिष्ट अतिथि आईजी रेलवे डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में व्यस्तता के बावजूद भी जुड़ करके उन्होंने अपने बातों को हमारे सामने रखा। हमारे साथ जो वनिता जी जुड़ी हुई हैं ऑस्ट्रेलिया से, मध्य रात्रि से अधिक समय हो चुका है लेकिन आज वो इस कार्यक्रम में निरंतर बैठी रही, तो हिंदी के प्रति आपके अगाध प्रेम को मैं नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ स्वरों के जादूगर और प्रयाग की धरती के गौरव श्री पी के सिन्हा साहब, डॉक्टर पी के सिन्हा साहब, जिन्होंने अपने स्वर माधुर्य से संपूर्ण लोगों को आह्लादित किया और आपके इस कृतित्व को, आपके इस स्वर के जादू को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। आपके सह कार्यक्रम में आपके साथ सह गायिका जिन्होंने अपनी बातों को रखा भी, उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर रंजन बिशद जी। रंजन बिशद जी ने अपने काव्य के माध्यम से, काव्य माधुरी से हम लोगों को आह्लादित किया, बहुत बहुत आभार है उनका। हमारे साथ बहुत अच्छे मंचों पर कवि का पाठ करने वाले शिष्य सोमवंशी जी, डॉक्टर संजय सिंह जी, जो कि आप वन अनुसंधान केंद्र के प्रमुख हैं, मैं आपके उपस्थिति के लिए, आपके काव्य पाठ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम सब लोगों को आह्लादित किया। शिवालिक आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य हमारे परम मित्र डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी, जिनको मैं कहता हूं कि किसी भी समय आपको समय कभी होने के कारण मैं अधिक नहीं बुलवा पाया, आप भोजपुरी में जो कविता लिखते हैं उसमें जो आह्लाद हमारे मानस में आता है, तो आगे हम कार्यक्रम में आपको जोड़ेंगे। डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपने हम लोगों को लाभान्वित कराया। और साथ साथ में इस कार्यक्रम के संचालक, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, जो कि हर कार्यक्रम को बड़ी संजीदगी से संपादित करते हैं, तो मैं अवनीश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रनील बासु जी, जो कि बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छे एकेडमिशियन भी हैं, तो आज उन्होंने भी उपस्थित होकर के हमारा जो मनोरंजन किया उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ साथ में हमारे साथ बहुत भाई संग्राम सिंह जी, बहुत देर तक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। आरोग्य भारती के तमाम, विश्व आयुर्वेद मिशन के तमाम लोग हमारे फेसबुक पेज पे इसको लाइव देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और हिंदी के प्रति आपके अगाध प्रेम को मैं नमन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाला जो हिंदी दिवस है वो हमारे वैश्विक स्तर पर मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा और उसमें ऑस्ट्रेलिया सहित सभी देशों के लोगों को मैं आमंत्रित करेंगे और सब लोग एक मंच पर आकर के इस कार्यक्रम को करेंगे। वह पूरे दिवस का कार्यक्रम होगा, 3 सत्रों में संपादित किया जाएगा, आज से ही हम लोग इसकी घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ से एक नारी शक्ति जुड़ी हुई है, डॉक्टर शशि मैम जुड़ी हुई है, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, राजकीय आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ से जुड़े हुए हैं, शशि बेदार, डॉक्टर शशि सिंह, शशि देवरा जी, शशि बेदार जी, जी 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 मैम जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर शशि बेदार जी, बहुत अच्छा है, तो सब बोलने के लिए उनको कहिए और तब समापन करते हैं। मैम आपको मेरी आवाज मिल रही है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैम बस हो गया बेटा, बुलाओ। सर राकेश यादव जी का भी जो है आवाज बहुत प्यारा था। हाँ हाँ, आपने उनको भूल के जो है एक एक जादूगर हमारे हैं। शशि मैम मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है बहुत अच्छा। शशि जी हैं, शायद आवाज नहीं मिल पा रही उनको। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अवनीश जी हम समापन का शांति मंत्र के साथ समापन करें प्लीज।
सभी लोग अपने स्थान पर सीधे बैठ जाएंगे। हाँ नमस्कार सर। जी मैम, मैम प्रणाम मैम। हाँ हाँ नमस्कार सर, तोमर सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार शशि जी, नमस्कार। हाँ बहुत बढ़िया प्रोग्राम सर, बहुत अच्छा लगा और मैंने पूरा प्रोग्राम सुना और आपको, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच, आपने उपस्थित रहे और आपने बहुत अच्छा हमारे साथ, जो ऑस्ट्रेलिया से बहन बनीता जी और शशि जी, आप लोगों को बहुत बहुत इसी शक्ति के लिए आपको प्रणाम। बहन बनीता जी चंडीगढ़ से है सर, मुझे मालूम है। बातचीत हुई है। हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है वो वहाँ पे, और उनको भी बहुत बहुत बधाई, आज उन्होंने बहुत अच्छा कविता पाठ किया। आपको भी बहुत बहुत बधाई डॉक्टर शशि जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा लगा, अच्छा लगा आपको दोबारा देखे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ छात्राएं भी जुड़ी हुई थी, कुछ छात्र भी जुड़े हुए थे बीएमएस के, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पायल हैं, अंतरा जी हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी इस कार्यक्रम को फेसबुक पे देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, जैसा कि हमारी एक परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम हम शांति मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। और ऐसा एक उम्मीद करते हैं कि सिर्फ 14 सितंबर को ही नहीं, हम पूरे वर्ष हिंदी को एक सम्मान देंगे और गर्व महसूस करेंगे किसी भी मंच पे हिंदी में अपनी बात रखने में। और मैं तो गर्व से कहता हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे ट्रांसलेट करके बोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं जहाँ भी बोलता हूँ हिंदी में बोलता हूँ, अपनी बात स्पष्ट रूप से करना हिंदी में मुझे अच्छा लगता है और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शांति मंत्र करेंगे हम लोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राकेश जी को, बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने स्वर लहरी से हम लोगों को बहुत आह्लादित किया सभी लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी। अब कार्यक्रम को हम समापन करते हैं, अग्रिम कार्यक्रम हमारा कल निर्धारित हो जाएगा, तो आगे सूचना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी को सबको प्रणाम।